टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म गणपत 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। व्यूवर्स को फिल्म का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म ने 2.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की, जो कि टाइगर की 9 सालों की फिल्मी करियर की सबसे खराब ओपनिंग मानी जा रही है। गणपत ने जहां अपने रिलीज के पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। वीकेंड होने के बावजूद फिल्म की कमाई में खास बढ़ोतरी नहीं हुई और सेक निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक गणपत ने दूसरे दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ टाइगर की फिल्म के 2 दिनों का कुल कलेक्शन 4.75 करोड़ रुपए हो गया है। गणपत दिव्या कुमार घोसला, पल पुरी और यश दास गुप्ता स्टारर फिल्म यारियां 2 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ऐसे में गणपत का कलेक्शन यारियां 2 के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रहा है। यहां यारियां 2 ने पहले दिन 50 लाख रुपए कमाए, तो वहीं दूसरे दिन भी 50 लाख रुपए ही सिमट पर रह गई। यानी कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गणपत का कुल कलेक्शन 4.75 करोड़ रुपए का रहा। यारियां 2 की कुल कमाई 1.05 करोड़ रुपए की रही। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म है, जिसमें कृति सैनन और अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यूवर्स का नेगेटिव रिस्पांस ज्यादा मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप होती जा रही है। आपको बता दें कि गणपत से एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की फिल्म लियो रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि लियो की सक्सेस को देखकर बाकी जितनी भी मूवीज हैं वो पीछे रहती हुई जा रही हैं। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।